गाइस, मैं आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जेके। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ सूजी के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। गाइस, मीठा तो सभी को पसंद होता है, तो आप सब जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। गाइस देखिए कितना टेस्टी बनेगा ये, इसका दाना दाना एकदम अलग लग रहा है। आइए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गाइस घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी ऐड करेंगे और इसको घी में भूनेंगे अच्छे से। सूजी का कलर एकदम चेंज होना चाहिए। गाइस अच्छे से चलाते हुए इसको भूनेंगे। देखिए गाइस सूजी का कलर जो है वो एकदम चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड और करेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स हमने डाल लिए हैं, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। गाइस अगर ड्राई फ्रूट्स भूनते हैं तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप विदाउट भूने भी डाल सकते हैं। गाइस हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सूजी में अच्छे से और थोड़ा सा और भून लेंगे। गाइस सूजी हमारी भून चुकी है ड्राई फ्रूट के साथ, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने डाल दिया है, अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से पानी और सूजी को। इसको अच्छे से चलाएंगे। गाइस चीनी ऐड कर लेंगे अब हम। चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कीजिए। गाइस फूड कलर डालने से इसमें येलो कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। गाइस इसको हिलाते हुए चलाएंगे। गाइस देखिए कितना यम्मी लग रहा है। थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे जिससे हमारा हलवा एकदम शाइनी लगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गाइस देखिए हमारा हलवा रेडी हो चुका है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। गाइस इसमें गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। मैंने बादाम डाल लिए हैं इस पे। गाइस देखिए कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है ये। गाइस इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड ट्राई दिस रेसिपी एट होम।